नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माह दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूं वृषभ राशि और उनके भाग्य के कि इस राशि वालों का भाग्य कैसा होता है। तो इस राशि को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये राशि का जो सिंबल है वो है बैल, पृथ्वी तत्व की राशि है, रात्रि में बलि रहती है और दक्षिण दिशा की क्या है, मालकिन है। यूँ कहें कि इसका जो अधिकार है वो कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में है। स्वभाव की बात करें तो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, अलग अलग कुजींस के इनका खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नहीं, खाने में इनको डिफरेंट वैरायटीज चाहिए और टेस्ट चाहिए। अपनी धुन में हमेशा मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना देना ज़्यादा रखते नहीं हैं। जहाँ इन्हें खुशी मिलती है उस तरफ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा समस्या ऐसे लोगों से होती है जो हमेशा दुखी रहते हैं। इन्हें ऐसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। वैसे इनके स्वभाव की बात करें तो इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, बस शर्ते इनको कोई छेड़े नहीं। अगर इन्हें छेड़ दिया तो फिर वो इसके गुस्से का शिकार हो जाएगा, लेकिन वो जो गुस्सा भी आता है वो एकदम से तेज़ी से आता है, शांत भी उतना तेज़ी से हो जाता है, लेकिन जब तक इन्हें कोई छेड़े ना तब तक ये पलटकर जवाब नहीं देते हैं। इनके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इनके साथ कोई प्रेम से बर्ताव करता है तो ये पूरे जीवन भर उनके प्रति समर्पित हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ में इसका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। तो ऐसे में ये हमेशा उनके साथ जुड़कर चलने वाले होते हैं, किसी का एहसान भूलते नहीं हैं। ये इनकी खासियत होती है कि ये बनाकर रखने में बिलीव करते हैं, लोगों के साथ जोड़कर रखने में बिलीव करते हैं। एजुकेशन अच्छी होती है क्योंकि मेहनती होते हैं। अपने हाथ में जो भी काम लेंगे उसको पूरा करके एंड तक फिर ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि काम किया फिर बीच में छोड़ दिया, उत्साह कम हो गया, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी काम करेंगे उसी उत्साह के साथ शुरू करेंगे और उसी उत्साह के साथ उस काम को ख़त्म भी करेंगे, अपना पूरा 100% डेडिकेशन के साथ में। अपने प्रेम संबंधों को, सही रिश्तों को, जो जिनको ये बांध कर रखना चाहते हैं अपने साथ, तो सही मायने में मजबूत बनाकर रखने में ये बिलीव करने वाले होते हैं। गृहस्थ जीवन इनका ज़्यादातर अच्छा देखा जाता है। इसका कारण क्या है? अगर कोई भी गृहस्थ जीवन में समस्या आती है तो सोच समझ कर, विचार कर कर, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ये जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो इनका प्लस पॉइंट रहता है। इनकी जो है, इनकी संतान के साथ में वैचारिक मतभेदताएँ देखने को मिलती है। इनका जो मेन इंटरेस्ट होता है अपने काम के प्रति, यदि इस चीज़ों को अपने करियर से जोड़ ले, अगर व्यापार करना चाहते हैं तो इन्हें ऐसी चीज़ों से व्यापार करना चाहिए जिसका संबंध स्त्रियों के साथ में रहता हो, जैसे लेडीज़ वेयर हो गया, कॉस्मेटिक का काम हो गया, साज सज्जा का काम हो गया, श्रृंगार का सामान हो गया, अगर इससे रिलेटेड ये काम करते हैं तो यहाँ पर इनको काफ़ी सूट करने वाला है और इनका आगे बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा। यानी स्त्री पक्ष से इनको ज़्यादा लेड़ियाँ, स्त्रियां जो सामान इस्तेमाल करती है उनसे ज़्यादा लेड़ियां देखने को मिलता है। इसके अंदर हम ज्वेलरी भी ले सकते हैं, एसेसरीज भी ले सकते हैं, हैंडबैग्स भी ले सकते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनका प्रयोग स्त्रियां करती हैं। तो यहाँ पर ये उनसे रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो काफ़ी उन्नति को हासिल करेंगे अपने बिजनेस में। लेकिन काम करने में ये थक जल्दी जाते हैं, इसीलिए कभी कभी इनको आलस्य भी महसूस होता है। स्वास्थ्य संबंधित इनको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है मांसपेशियों में दर्द की, यानी दर्द संबंधित समस्या इनको ज़्यादा रहती है। मौसम जैसे ही परिवर्तन होगा वैसे ही इनको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, अदरवाइज स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जो सबसे अच्छा अंक है, लकी माना जाता है, वो माना जाता है 6। एक अंक वालों से इन्हें थोड़ा बचना चाहिए। इनके लिए जो सबसे अच्छा रत्न है वो है फिरोजा रत्न। अगर ये अपने भाग्य बल को मजबूत करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उन्नति पाना चाहते हैं, सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो इनके लिए फिरोजा जो है वो सबसे अच्छा रत्न माना गया है। इनके राशि के अनुसार डायमंड भी इनके लिए अच्छा है। ये दोनों रत्न ही इनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप इन दोनों का रत्न कुछ इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं कि फिरोजा के इर्द गिर्द आप क्या करें, डायमंड लगवा दें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों का प्रभाव और अच्छा रहेगा। या फिर चाहे फिरोजा और डायमंड दोनों साथ में पहन लीजिए तो यह भी आपके लिए काफ़ी
शुभ रहने वाला है। ये दोनों ही रत्न आपके भाग्य को चमकाने में काफी सहायक बनेंगे। आपके लिए जो सबसे अच्छा दिन हम बात करें तो वो दिन है शुक्रवार और बुधवार। अपने महत्वपूर्ण कार्य यदि आपको करने हैं तो शुक्रवार या फिर आप बुधवार को कर सकते हैं। अगर इन दिनों में काम शुरू करेंगे तो काम में रुकावट नहीं आएगी।